वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 9th एंड 10th पार्ट करेंगे हम। प्रूव दैट cosec a माइनस साइन a इनटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस cot a। जैसे कि मैंने बताया है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो, ज्यादा टर्म हो वो साइड लेके चलें, और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन 5 में हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं। उसी में ज्यादा टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी हमने लेफ्ट से हम राइट दिख शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में मैक्सिमम टाइम्स हम कन्वर्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है उसको साइन और कोस में चेंज कर लो। इसे कोसेक है, कोसेक को साइन में, कोसेक थीटा क्या क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन ये आ गया। ये समझ में आ गया, इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का होता है, साइन तो साइन में है ही, इसकी कोई जरूरत नहीं। सेक सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है 1 बाई कोस, ये कोस है हमारा कोस ए। दिस इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 समझ सकते हैं, इसके नीचे भी क्या समझ सकते हैं 1, इसका एलसीएम कितना आ गया साइन ए, ठीक है। साइन से साइन डिवाइड किया 1 माइनस 1 से साइन ए को डिवाइड किया साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसी तरह यहां पे कोस ए एलसीएम आ गया, कोस से कोस डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 से कोस ए को डिवाइड किया कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूले कहां से निकले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम टाइम जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है, हम कोस स्क्वायर लिखते हैं, कोस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए। अब ये दो पावर है, एक पावर कट जाएगी, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, एक कोस से कोस कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारा साइन से, तो क्या बचा साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब देखें ये तो राइट हैंड साइड नहीं आई, अगर हमें लगता है अब आगे कैसे करें, तो या तो आप इसी साइड को कंटिन्यू रखें, राइट साइड पे आ जाओगे, इसकी जगह नीचे 1 लिख दो, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हमें नहीं पता अब कैसे आए, तो राइट हैंड साइड को अलग से आप सॉल्व कर लें, तो दोनों साइड को इक्वल दिखा दें आप, ठीक है। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू करें आप, 1 नीचे लिखें, या राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, बेटर है ये हमारे पास ऑप्शन, राइट हैंड साइड है हमारी ये, ठीक है। आपको लग रहा है हमारी राइट हैंड साइड नहीं आ रही, तो आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लें, तो दोनों साइड इक्वल दिखा दें, तो 1/10 साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखो किस में आ गई, साइन और कॉस में आ गई, तो राइट हैंड साइड को भी हम किस में लाएंगे, साइन और कॉस में लाएंगे। प्लस कॉट किसके गुण होता है भाई, कोट थीटा कॉस बाई साइन, नॉर्मल फॉर्मूले हैं जो कि हम ये यूज कर रहे हैं, 1/LCM कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए, कोस से कोस कटा साइन, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल कॉस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1/sin a इंटू कॉस ए। हमने आइडेंटिटी लगाई है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता भाई, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए कॉस ए, 1 से 1 बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin a इंटू कॉस ए हो जाएगा, जो कि दोनों साइड इक्वल है ना, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 10th पार्ट, प्रूव दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर
डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए डिवाइड बाई वन माइनस कोट ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए। देखें सोल्यूशन, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए, इसको हम इसके इक्वल दिखाएंगे और इसको भी इसके इक्वल दिखाएंगे, फिर ऑटोमेटिक तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू, देखो इसको यहां पे हमारे पास तीन मेथड है, एक तो मैं इसको टेन को साइन और कोस में चेंज कर दूं, ठीक है, एक मैं कोट को टेन में चेंज कर दूं, हमारा आंसर टेन में आया हुआ है, टेन तो टेन है ही, सिर्फ कोट को किस में चेंज कर दूं, टेन में, कि कोट स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, वन बाई टेन स्क्वेयर ए, क्योंकि कोट क्या होता है, वन बाई टेन होता है, तो कोट स्क्वेयर क्या हो गया, वन बाई टेन स्क्वेयर ए। एक ये तरीका है हमारे पास, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि मैं वन प्लस टेन स्क्वेयर ए आइडेंटिटी लगा दूं, आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा होता है, और वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा और सेक स्क्वेयर थीटा होता है, सिंस सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, आपको याद होगा वो सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा होता है। देखो भाई आइडेंटिटी है हमारे पास, देखो sec square theta minus tan square theta वन होता है, किया था तो sec square theta क्या होगा, वन प्लस tan square theta, और cosec square theta minus cot square theta cosec का cot के साथ वन होता है, तो cosec square क्या होगा, वन प्लस cot square theta, ठीक है। दिस इज इक्वल टू sec square क्या होता है, वन बाई cos square, कोसेक स्क्वायर क्या होता है, वन बाई किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो स्क्वायर में है, वैसे कोसेक वन बाई साइन होता है, तो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वन बाई कोसेक को स्क्वायर ए, ये उल्टा पलटेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई वन, तो क्या आ गया, साइन बाई कॉस टेन होता है, और तो स्क्वायर में है, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं, इसके इक्वल है, इस तरह हमने इसके इक्वल दिखा दिया, अब इसको इसके इक्वल दिखाएंगे, नाउ वन माइनस टेन ए वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें दो मेथड है यहां पे, एक तो मैं टेन को साइन और कोस में चेंज कर लूं, और एक मैं सिर्फ कोट को चेंज कर लूं टेन में, क्योंकि आंसर मेरा टेन में आया हुआ है, सिर्फ कोट को चेंज कर लूं मैं किस में, टेन में, समझ आ रहा है, आपकी मर्जी, टेन को भी साइन और कोस में चेंज कर लो, कोट को भी साइन और कोस में चेंज कर लो, या पूरे एक्सप्रेशन को सिर्फ टेन टेन में चेंज कर लो, सिर्फ मैं टेन टेन में चेंज कर रहा हूं, वन माइनस टेन ए वन माइनस कोट क्या होता है, वन बाई टेन होता है, टोटल की होल स्क्वेयर, और दिस इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए, एलसीएम कितना आ गया, टेन ए आ गया एलसीएम, तो इसके नीचे तो वन समझ सकते हैं, ठीक है, वन को टेन से डिवाइड किया तो टेन ए, टेन ए इंटू वन, टेन ए माइनस टेन से टेन कैंसिल हुआ, वन आ गया, इसका होल स्क्वेयर, this is equal to 1 minus 10a multiply 10a by 10a minus 1 हो गया, और इसका क्या है, whole square। अब ध्यान से देखें ये दोनों cancel हो सकते हैं, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमने minus common लेना पड़ेगा, यहां से क्या करो, minus common ले लो, minus 1, ठीक है, तो minus ही लिख देते हैं हम, सिर्फ minus common लिया तो अंदर वाली जो है 10a minus का है तो plus का बन जाएगा, जो प्लस का है माइनस का बन जाएगा, कॉमन लेना आता है वही टेन ए माइनस वन, टोटल की होल स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो गया, समझ आ रहे हैं, ये बचा माइनस, और इस अंदर क्या है टेन ए का होल स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का स्क्वायर करें, पॉजिटिव ही आता है, दिस इज टेन टेन थीटा की स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, टेन थीटा की स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ये भी यही आ गया, तो दिस इंप्लाइज वन माइनस टेन ए
वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर ए, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। अब देखें ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, यानी कि ये भी टेन स्क्वायर के इक्वल है, ये भी टेन स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, देखो ये वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर ए की इक्वल है, बट टेन स्क्वायर ए इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, वन माइनस टेन ए, वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये हमने शो करना था, समझ में आया। ध्यान दें, जैसे ये मान लो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, और ये थर्ड है, वन को हमने किसकी इक्वल दिखाया, थर्ड के, और सेकंड को किसकी इक्वल दिखाया, थर्ड के, ठीक है, इसका मतलब वन थर्ड के है, थर्ड किसकी इक्वल है, सेकंड के, इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, तीनों पार्ट क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, ठीक है।